सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के बारे में, तो पार्टिसिपेंट्स की बात करें कैपिटल मार्केट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हो सकते हैं या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई फाइनेंशियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कंपनीज इसके अंदर डील कर सकती हैं। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, तो ये इसके पार्ट हो सकते हैं। ये कॉल मनी गलत लिखा गया है यहाँ पर। अगर हम बात करें मनी मार्केट की, मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर या कॉल मनी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट आउटले, तो डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, तो यहाँ पर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटाइल्स ह्यूज सम ऑफ मनी एज इंस्ट्रूमेंट इज क्विट एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट के अंदर जो वैल्यू रखी जाती है वो चाहे शेयर 10 का होता है, 100 का होता है, मतलब इनकी वैल्यू नॉमिनल होती है। अगर इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर 5 लाख के मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो जैसे भी इनकी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट किसके अंदर डील करती है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म सिक्योरिटी के अंदर डील करती है, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। अगर हम बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट किसके अंदर डील करती है, शॉर्ट टर्म फंड के अंदर डील करती है, जिनका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, अप टू 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर वो हो सकता है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यार लेस लिक्विड होती है क्योंकि एज कम्पेयर टू मनी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर इजिली आप सेल परचेज नहीं कर सकते हो, लेकिन मनी मार्केट क्या होती है, हाईली इस प्रकार से लिक्विड होती है जिसको आप इजिली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर हम बात करें मनी मार्केट की, तो यहाँ पर रिटर्न कम मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो सेफ्टी है वो ज्यादा रहती है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कैपिटल मार्केट क्या होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर रिस्क की बात करें तो आपको रिटर्न या रीपेमेंट भी मैक्सिमम मिलता है। अगर हम बात करें मनी मार्केट की, तो इंस्ट्रूमेंट जनरली इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेफ होते हैं और रिस्क भी क्या होता है, इनके अंदर मिनिमम होता है डिफॉल्ट होने का। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।